सुधांशु पांडे एक भारतीय मॉडल फिल्म और टेलीविजन अभिनेता गायक लेखक और निर्माता है। उन्हें अपने करियर में हिंदी तमिल और तेलुगु भाषा में कई फिल्मों में काम किया है। पांडे ने अपने करियर की शुरुआत 90 के दशक की शुरुआत में मॉडलिंग से की थी। उनका पहला टेलीविजन शो कन्यादान था जो 1998 में प्रसारित हुआ था। अक्षय कुमार के साथ साहब भूमिका में उनकी पहली फिल्म खिलाड़ी 420 थी। 1999 में पांडे ने पंकज उदास के एल्बम महक के गाने में मेघना के शराब में अभिनय किया। फिर वह भारत के पहले संगीत बैंड अ बैंड ऑफ बॉयज का हिस्सा बने। बाद में 2005 में पांडे ने बैंड छोड़ दिया क्योंकि उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर होने की जरूरत थी। पांडे 2010 के दशक में नियमित रूप से तमिल सिनेमा में दिखाई दिए और पहली बार उन्होंने अजीत कुमार अभिनीत बिल्ला में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने मेघमैना, इंद्रजीत और 2.0 में भूमिका निभाई और जो रिलीज के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। पांडे का एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम रोस्टॉक प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके तहत उन्होंने 2018 में एक संगीत वीडियो अपना पहला सिंगल तेरी अदा का निर्माण किया था, जिसमें वह एक गीतकार भी थे। साथ ही 2021 में ताहिर बेग के साथ पितारक नामक लघु फिल्म में बनाई थी, जिनका दूसरा होम प्रोडक्शन। 2020 में वह अनुपमा में वनराज शाह का किरदार निभा रहे हैं, जिसने उन्हें हिंदी भाषी दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया है। अनुपमा की 11 एपिसोड की प्रीक्वल वेब श्रृंखला अनुपमा नमस्ते अमेरिका वनराज शाह की अपनी भूमिका को दोहराया जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होती है। 2023 में पांडे ने बदला शाह सक्रमा चक्रवर्ती अभिनीत अपना दूसरा एकल एकल दिल की तू जमीन का निर्माण किया। पांडे की शादी मोना पांडे से हुई है और उनके दो बेटे हैं निवन और निवाना पांडे।